अभी तो अप्रैल पूरा खत्म हो गया, मतलब अब चल रहे मई या फिर जून तक इंतजार आप कर लोगे, मतलब 2 महीना ही इंतजार करना है, तो आपको 20,000 रुपये में बेस्ट फोन आपको मिलने वाला है। इस फोन का नाम है पोको F3 GT। अगर इसका फीचर आप नहीं देखे होगे तो एक बार वेबसाइट पे जा कर के देखो, मतलब इतना बढ़िया फोन है, जबरदस्त फीचर वाला। इसका जो प्रोसेसर है ना, मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1200 वाला प्रोसेसर दिया गया है, जो 6 नैनोमीटर पे इस प्रोसेसर को बनाया गया है ऑक्टा कोर के साथ। मतलब इसका डिजाइन देखो, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये कितना जबरदस्त गेमिंग डिजाइन है, मतलब एक लग रहा है कंप्यूटर टाइप लुक फील हो रहा है। तो ये एक डिजाइन के भी मामले में काफी जबरदस्त फोन है। तो इस फोन को लॉन्च किया जाएगा 2 महीने के अंदर में इंडिया के अंदर, तो काफ़ी ज़बरदस्त ये फ़ोन है। इसके बारे में मेरे को वीडियो बनाने का मन किया ताकि आप लोगों को पता चल सके कि 2 महीने के अंदर में इंडिया में ज़बरदस्त ये फ़ोन लॉन्च होने वाला है, पोको का F3 GT। इसमें जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो OLED का डिस्प्ले यहाँ पे लगाया गया है, 120Hz का डिस्प्ले होगा, फुल HD+ के साथ आएगा और 6.67 inches का डिस्प्ले होगा इस फ़ोन में। मेरा फोकस एक चीज़ पे ज़्यादा रहता है, कैमरा क्वालिटी पे, क्योंकि फ़ोन में जब कैमरा क्वालिटी ज़बरदस्त मिलता है तो फ़ोन को यूज करने में भी मज़ा आता है। तो इस फोन में कैमरा आपको मेन कैमरा देखने को मिलेगा 64 मेगापिक्सल का, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलेगा, और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिलेगा, और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा इस फोन के साथ। तो आपको पता ही है भाई कि पोको का जो कैमरा होता है उसमें नेचुरल फोटो क्लिक होता है, तो कैमरा यहाँ पे काफी जबरदस्त है इस फोन के साथ। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ ना कलर के बारे में, तो फोन मेरे को ब्लैक कलर का फोन काफी जबरदस्त आया है, लेकिन इस फोन में आपको 3 कलर मिलेगा, ब्लैक, ग्रे और सिल्वर कलर। तो आपको जो चाहिए वो कलर आप चूज कर सकते हो। और यहाँ पे अगर बात करें हम बैटरी क्वालिटी की, तो यहाँ पे 5065 mAh का बैटरी इस फोन के साथ मिलेगा, चार्जिंग टाइप सी पोर्ट होगा, और यहाँ पे फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होगा, जो होगा 67W का एडाप्टर, तो काफ़ी फास्ट फोन चार्ज हो जाएगा। और कंपनी ने एडवर्टीजमेंट में बताया है कि 42 मिनट में फ़ोन जो है 100% चार्ज हो जाएगा। अब तो लॉन्च होगा उसके बाद ही पता चलेगा टेस्ट के बाद कि कितना मिनट में फ़ोन फुल चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पे एडवर्टीजमेंट में बताया गया है कि 42 मिनट में फ़ोन जो है फुल चार्ज हो जाएगा। एक फीचर यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, 3.5 mm का हेडफोन जैक आपको सपोर्ट इस फ़ोन के साथ नहीं दिया जाएगा, यानी आप ईयरफोन जो है 3.5 mm जैक वाला नहीं लगा सकते हैं इस फ़ोन में। और यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट यूज किया गया है वो पावर बटन पे है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया गया है इस फ़ोन के साथ। इस फ़ोन के बारे में आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस फ़ोन के बारे में, और मैं क्या सोच रहा हूँ वो तो मैं वीडियो में बता ही चुका हूँ। ये फ़ोन लेना होगा 20,000 के रेंज में, तो इस फ़ोन के लिए वेट कर लो 2 महीना। ये फ़ोन काफ़ी मेरे को पसंद आया और आपको बता ही चुका हूँ कि क्या क्या फीचर है इस फ़ोन के बारे में। तो वीडियो को एंड करते हैं पे, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।